आज हमारे पास फायरबोल्ट की तरफ से फायरबोल्ट रॉक, और ये घड़ी आपको काफी जानी पहचानी से लग रही होगी। ये बेसिकली गूगल का पिक्सल वॉच जो आया था उसका सिमिलर डिजाइन कॉपी किया गया है। फायरबोल्ट का खून स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, और मैं वाली वॉच एक्चुअल में यूज कर रहा था भाई, बहुत तगड़ी बिल्ड है। पूरा ऐसे कर्व ग्लास को यूज किया गया है। फ्रेम इसका पूरा मेटालिक है, पीछे से भी हाई क्वालिटी प्लास्टिक जो आपकी कलाइयों पे ग्लास का फील देने वाली है। और जो इसका डिस्प्ले है दोस्तों, ये है एक एमोलेड डिस्प्ले पैनल, बिल्कुल मक्खन चलता है। और हमारे पास यहाँ पे दूसरा कलर भी अवेलेबल है जिनका ग्रे कलर है। इसको एक बार अनबॉक्स करते हैं आपके लिए। सबसे ऊपर यहाँ पे घड़ी रखी हुई है, और ये रैंक का स्ट्रैप काफी डिफरेंट है। इस बार जब भी आप फर्स्ट इंप्रेशन में देखोगे आपको सच में समझ में आने वाला कि बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की घड़ी है, जिसके ऊपर खूब सारे कपड़े पहना के भेजते हैं लोग, उतार देते हैं। कुछ चीजें नहीं दिख रही दोस्तों, ये बेसिकली इनके स्ट्रैप का लॉक है, और स्ट्रैप लगता है कैसे, बिल्कुल यूनिक है। यहाँ से हुक करना है, पीछे से दोस्तों आपको यहाँ पे दबा देना है, फिर क्या लॉक हो जाएगा ये मामला, और उसके बाद काफी तगड़ा लग जाएगा भाई। देखो बिल्कुल निकल नहीं रहा। तो अपनी दोनों वॉच रेडी है यहाँ पे, और फर्स्ट इंप्रेशन में दोनों वॉच सच में काफी प्रीमियम लग रही है यहाँ पे। वैसे वॉच में आपको तीन डिफरेंट कलर अवेलेबल है, इनका ये गोल्ड कलर भी है जो कि काफी तगड़ा लगता होगा। अपने पास यहाँ पे ग्रे एंड ब्लैक कलर है, और वॉच की प्राइसिंग अभी 3500 रुपीज आ रही है। हम लोग लॉन्च की बात बना रहे हैं काफी, इनका फाइनल प्राइसिंग एक्चुअल में बढ़ेगा नहीं, डेफिनेटली 3500 रुपए के हिसाब से कैसी वॉच है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात जो कॉपी वाला चीज है, अब ये डिसीजन टोटली आपका है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गूगल पिक्सल इंडिया में लॉन्च हुआ ही नहीं था, और इतना पॉपुलर भी वॉच नहीं हुआ है, तो कोई भी ऐसा फील नहीं आएगा आपको। वैसे हम लोग ने इंपोर्ट करके गूगल पिक्सल को रिव्यू किया था, मुझे वॉच उतना पसंद नहीं आया था, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें एक्सप्लेन किया हम लोग ने। अभी के लिए एक बार पहन के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रैप तक कॉपी किया है भाई। यहाँ से ऐसे लगाते हैं, इसके बाद फिट करो, उसके बाद इसको हुक करो, और यहाँ से उन्हें डाल दो। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रैप और लॉक भी है। एक चीज और दोस्तों, की पिक्सल वॉच में प्रॉब्लम ये थी कि काफी स्मॉल सा साइज था, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था कि इसका बड़ा साइज बनाना चाहिए था गूगल को, वो कमी शायद से फायरबोल्ट ने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये वॉच थोड़ी सी बड़े भी है और डेफिनेटली काफी प्रीमियम लग रहे हैं मुझे। इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको मस्त क्राउन बटन मिलता है, जिसके तो खूब सारे आपको वॉच फेसेस मिलेंगे, और एक क्राउन बटन आपको काफी जगह पे काम भी करता है, जैसे कि ब्राइटनेस कंट्रोल करने में या फिर स्क्रॉल करने में, और काफी स्मूथ भी है ये। मेन्यू में जाने के लिए क्राउन बटन प्रेस करो, और यहाँ से भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, इसके आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इवन की जो टच रिस्पॉन्स है ना, वो भी काफी स्मूथ से लग रहा है, क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले पैनल है जिसका रेजोल्यूशन 390x390 है, तो बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है। इवन इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा है मुझे, आउटडोर बताता हूँ, फुल ब्राइटनेस पे आउटडोर में इसको यूज कर सकते हो। डिस्प्ले सच में काफी ज्यादा वाइब्रेंट लगता है। ब्राइटनेस का नेट 550 है, बट थोड़ा सा कम फील होगा आपको, क्योंकि डिस्प्ले पे ग्लास बहुत ही हाई क्वालिटी यूज किया गया है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस कम हो गई, लेकिन इतनी कम भी नहीं कि आप आउटडोर में यूज ना कर पाओ। गूगल पिक्सल की तरह ही यहाँ पे आपको टॉप साइड में बटन है, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो सारा स्पोर्ट्स मोड, और इसके अंदर मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। सिटअप्स कर लेते हैं, मुझे सिटअप्स करने नहीं आता है, लेकिन दोस्तों पुशअप करने बहुत अच्छा आता है भाई, थक गया यार, स्पोर्ट्स मोड मस्त काउंट हो जाएगा आप लोग का। और ये एक स्मार्ट वॉच है दोस्तों, तो इसके अंदर दिल की धड़कने, खून के अंदर का ऑक्सीजन सब बताएगा आप, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। अपना ऑक्सीमीटर लगाते हैं और देखते हैं कितनी गहराइयों से नापता है ये। कॉफी पी के थोड़ा सा हार्ट रेट ऊपर कर लेता हूँ। वॉच का हार्ट रेट सेंसर काफी एक्यूरेट लग रहा है, ऑक्सीमीटर का स्कोर है 82, वॉच में भी 82-83 आ रहा है। जितने भी 3-4 हज़ार रुपए के अराउंड वॉच होते हैं उसके ऊपर आप एक्यूरेटली भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका हार्ट रेट सेंसर या फिर स्लिप मॉनिटरिंग काफी अच्छी हो जाती है। और ये सेंसर कितना एक्यूरेट है, एक बार इसकी टेबल टेस्टिंग कर लेते हैं। टेबल में जान डाल भाई वॉच ने, ये टेबल दोस्तों सच में जिंदा है, देखो ये भी ऊपर नीचे होता है, समझ रहे हो। वॉच के अंदर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, और जब आप हाथ ऊपर करोगे रिस्ट विकअप काम करता है, और काफी क्विक है, अगर मैं हाथ नीचे करता हूँ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे शिफ्ट हो जाता है। और वॉच का जो ओवरऑल बिल्ड है थोड़ा सा थिक फील होगा आपको, मतलब मोटा लगेगा वॉच आपके हाथ में, तो फील कुछ ऐसा है कि आप कुछ हेवी चीज यूज कर रहे हो, और इतने बड़े बॉडी में फायरबोल्ट ने 260mAh की बैटरी फिटिंग कर रखी है, मतलब 7 डेज तक आराम से चल जाएगी आपकी अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, लेकिन अगर आप कॉलिंग यूज करोगे इसके साथ तो 2 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी मैक्सिमम, और आपने ज्यादा देर तक बाबू सोना कर लिया तो बैटरी 1 दिन चलेगी, क्योंकि जनरली कॉलिंग वॉच की जो बैटरी होती कमी होती है। और अगर बात करते हैं कॉलिंग क्वालिटी के बारे में, वॉच के अंदर आप ऐसे मेन्यू में जाओगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन, इवन के यहाँ पे कॉल्स का भी ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट्स में जाओ और यहाँ पे आपको आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको एप्लीकेशन के अंदर से यहाँ पे कम्युनिकेशन सेटिंग से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से आप फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। वैसे ये वाला एप्लीकेशन है ऑन वियर प्रो, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली कॉल कर लेते हैं, और कुछ ऐसा सिंपल सा यूआई देखने को मिलने वाला है आपको, और फोन से भी कॉल लग चुकी है। वॉल्यूम को कर लिया मैंने फुल, यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो, और यहाँ से आप कॉल भी काट कर सकते हो। आवाज कैसी आ रही है? अच्छी एकदम क्लियर है।
फोन से बात कर रहा हूँ, ये वाला पिछली वाली ज्यादा लाउड है, ये एकदम क्लियर एकदम स्मूथ लेकिन कम आ रही है। ओके ये वाला तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं मैंने। इसका सिंपल मतलब है कि इसका माइक्रोफोन बहुत ज्यादा अच्छा है, बट हल्का सा वो जो रोबोटिक टोन होता है वॉचेस में रहता है नॉर्मली वो आपको जाएगा। कॉलिंग क्वालिटी इसकी सच में काफी अच्छी होने वाली है, सामने वाले को ज्यादा अच्छी आवाज आएगी। और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में तो आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे, हार्ट रेट सेटिंग्स है, यहाँ से आप ऑल डे मॉनिटरिंग ऑन कर सकते हो। उसके बाद दिन भर आपके दिल की धड़कने नापेगा और बताएगा आपको आपका दिल अच्छा है जैसे कि मेरा। और अगर आपका दिल अच्छा है दोस्तों अभी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम आपको दिखाएंगे अच्छे कॉन्टेंट। और यहाँ से आप वॉच को अपडेट अपडेट कर सकते हो। और हेल्थ वाले सेक्शन के अंदर आपको सारा डेटा एक जगह मिल जाएगा, यहाँ से आप वॉच फेस भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, स्लीप मॉनिटरिंग देख सकते हो आपको। तो मतलब एप्लीकेशन में काफी काम का है इसका और एप्लीकेशन में आपको सारा डेटा मिलता रहेगा। वैसे भाई इसका जो स्ट्रैप है ना वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया उन्होंने, मतलब काफी फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट सा है, अच्छी क्वालिटी का है, आपके हाथ से बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता, एकदम फ्लेक्सिबल स्ट्रैप है, आराम से उतर भी जाता है। तो अगर फाइनल कंक्लूड करें तो फायरबोल्ट रॉक को तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाए खरीदो इसको। वॉच के डिस्प्ले और डिजाइन काफी अच्छा है और जो डिस्प्ले मिल रहा है और जो कॉलिंग क्वालिटी मिल रही है आपको वो बहुत अच्छी है। अगर आपको वही चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो। इसका बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे और प्रोडक्ट में भी टैग कर देंगे हम लोग, प्रोडक्ट में और भी प्रोडक्ट टैग करके रखेंगे जो हम लोग रिकमेंड करते हैं आपको कि आप खरीद सकते हो। और इस नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तो गुड बाय एंड जय हिंद।